Hello friends, hope you all are well. Our first chapter of EVS in standard 5th completed. So let's start the chapter number 2nd. A snake charmer's story. Okay, dear friends, hope you will enjoy these chapters because this one is about the stories of snake charmer. Snake charmer yani सपेरा. आपने देखा होगा कि आपकी सोसाइटी में भी हाँ पर्सन है अपने बाम्बू के बॉक्स होता है उसके अंदर सांप लेके आता है और सांप को तरह तरह के सांप के खेल करता है हाँ तो उसको हम कहते हैं स्नेक चार्मर्स. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दैट पर्सन. ओके वो बीन बजाता है सांप को बाहर निकालता है सांप डांस करता है उस वो जैसे कहता है उस तरह से वो सांप करता है थिंग्स तो उसको हम स्नेक चार्मर्स कहते हैं. याद रखना दैट इज द वेरी माइनर डिफरेंस ऑफ द स्पेलिंग इन बिटवीन एस एन ए के ई दैट इज स्नेक यानी सांप और एस एन ए सी के यानी स्नेक यानी हम जो नाश्ता बोलते हैं. ओके जो हम दिन में सुबह के टाइम शाम के टाइम करते हैं तो उसको हम स्नेक कभी कभी कहते हैं चलो स्नैक्स करते नाश्ता करते. तो इन दोनों के बीच में माइनर डिफरेंस है एस एन ए के ई और एस एन ए सी के. तो ये आपका वर्ड बिल्डअप करेगा ये आपको हेल्पफुल रहेगा. ओके तो आज की ये स्टोरी है अबाउट अ स्नेक चार्मर स्टोरी. ओके लेट्स स्टार्ट इट. आई एम आर्यनाद. ओके ये आर्यनाद है. I can do something special which I am sure none of you can do. Okay, ये कहता है कि मैं ऐसी special things करने वाला हूँ जो आप में से कोई नहीं कर सकेगा और कोई नहीं कर सकता मैं उसके बारे में sure हूँ. Do you know what? क्या आप जानते हो वो क्या है? I can play the bean. Okay, ये कहता है कि मैं bean बजा पाता हूँ. Bean यानी ये जो इसके हाथ में है. Okay, जो सपेरा है वो जो बजाता है वो. ओके उसको बीन कहते हैं. यू मस्ट बी सरप्राइज्ड. ओके आप सरप्राइज हो ही गए होंगे. यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन. ओके वो बीन बजा के सांप को डांस करवाता है. आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स. ओके लर्न यानी सीखना ये इसने कहां से सीखा है आर्ट उसके फैमिली मेंबर के पास से. We people are known as Kalbelias. Okay, उसको लोग हैं इस तरह से भी जानते हैं. My grandfather, grandfather यानी उसके दादा. रोशननाथ जी was famous amongst our people. Okay, उसके दादा रोशननाथ जी है वो वहाँ के लोगों के बीच में बहुत ही famous थे. He could easily catch many poison snakes. Okay, वो जहरीले सांप को easily catch यानी पकड़ सकते थे. He tells me many stories about his past. Okay, उन्होंने अपनी story उसके जो past की story है ऐसी बहुत सारी story उन्होंने मुझे कही है. Come, listen to his story in his own words. चलो हम उसकी story उनके ही word में सुनते हैं. ओके डियर फ्रेंड्स मे बी यू ऑल्सो सीन दिस टाइप ऑफ थिंग्स द मैनी पीपल आर कैच द एनी टाइप ऑफ स्नैक. ओके मे बी इन योर सराउंडिंग एरियाज इन डिस्कवरी और एनीथिंग एल्स. दादाजी रिमेंबर्स. ओके दादाजी को ये चीज याद है क्या? From the time of my grandfathers and great grandfathers, okay, यानी उसके दादाजी के समय और great grandfather यानी उसके दादाजी के भी पिता उसको कहते हैं great grandfathers. We have always been saperas, snake charmers, okay, उनके दादा और उनके दादाजी के पिता के समय से ये उनका जो things है जो भी business है okay, सपेरा का वो चला आ रहा है. स्नैक्स हैव बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. ओके ये सांप है वो हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है. वी यूज टू मूव
from village to village carrying our snacks in bamboo basket. ओके, एक बाम्बू के बास्केट में वो सांप को एक विलेज से दूसरे विलेज तक लेके घूमते हैं. कैरिंग यानी उसको साथ में रखना, लेके वो कैरी करते यानी रखते हैं. वेन एवर वी स्टॉप्ड इन विलेज, जहां जहां पे भी विलेज में वो रुकते हैं, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस. ओके, क्राउड यानी भीड़. ओके, तो उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. We would then take out our snacks from our basket. फिर वो क्या करते हैं, बास्केट में से सांप को निकालते हैं. ओके, कुछ इस तरह का पूरा विलेज में माहौल हो जाता है. ओके, ये सपेरा बीन बजाता है, सांप ये बास्केट में से बाहर निकलता है, ये बम्बू का बना होता है, आसपास में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. ओके, छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक है ये थिंग्स को देखने के लिए अपनी सोसाइटी में जमा हो जाते हैं. वी वुड देन टेक आउट अवर स्नैक फ्रॉम अवर बास्केट, बास्केट में से अपने वो सांप को निकालते हैं. इवन आफ्टर दी शो पीपल वुड स्टे ऑन. ओके, ये पूरा जो शो होता है वो खत्म हो जाता है, फिर भी लोग ये वहां पे खड़े होते हैं. देन नो दैट इन अवर टिन बॉक्स देर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम. ओके, वो जानते हैं कि उसके बॉक्स में बहुत सारे टाइप की मेडिसिन होती है. वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम अ प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम दी फॉरेस्ट. ओके, जंगल में जो पेड़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, उसमें से ये मेडिसिन ये लोग बनाते हैं. I had learned all these from my grandfather. ये सब चीज़ मैंने मेरे grandfather यानी उसके दादाजी के पास से सीखी है. I felt nice that I could help people with my medicine even if doctors and hospitals were far off in return. Okay? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस टाइम पे लोगों की मदद कर सकता हूँ. जब भी फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई सांप काट ले, ओके, तो पहले के टाइम में ओके बहुत सारी हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फैसिलिटी इतनी फास्ट नहीं थी, बहुत कभी डॉक्टर या हॉस्पिटल के लिए दूर जाना पड़े ऐसी सिचुएशन हो, तो उस टाइम पे ये सपेरा है वो लोगों की हेल्प करता है. ओके, उसको पता होता है कि अगर सांप काटा तो उसको जहर को किस तरह से उतारना, तो इस टाइप की लोगों की हेल्प करके ये सपेरा कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. People would give us some money or food grains. Okay, people, अब पूरा ये शो लोगों ने देखा, तो उसके बाद में जो लोगों ने ये शो देखा, ओके, पूरा ये सपेरे ने जो जो थिंग्स किए, तो उसके बदले में उसको मनी देते हैं या फ्रूट ग्रेन्स यानी कुछ भी फूड ग्रेन्स देते हैं यानी कुछ भी अनाज वगैरह उसको देते हैं. इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ, इस तरह से है वो अपनी पूरी लाइफ चलाते हैं. ओके, इस तरह के गांव-गांव जाके पूरे सपेरा है इस तरह के शो करते हैं एंड उसमें से उसको जो भी मनी और दान, जो भी अनाज फूड ग्रेन्स मिलता है, उससे उसका लाइफ का गुजारा चलता है. समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेर समवन हैड बीन बिटन बाय स्नेक. ओके, कई बार किसी को अगर सांप काट लेता है, ओके, तो उस टाइम पे इसको बुलाया जाता है. फ्रॉम दी मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन. ओके, जो जगह पे, ओके, जिसको सांप काटा होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्राई करता है वो देख के कि कौन से सांप ने इसको काटा है. ओके, आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, उसके बाद वो उसको मेडिसिन देता है. ओके, वो देख के उसको अंदाजा आ जाता है कि ये जहरीला सांप है या कम जहरीला सांप है, उसके हिसाब से उसको मेडिसिन देता है. बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प. ओके, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलवेज, ओके, हमेशा उसकी हेल्प कर पाए. As you know, some snake bites can even cause death on the spot. Okay? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जहरीले सांप होते हैं कि जो आदमी को काटते हैं तो on the spot, okay? उसी टाइम उसका डेथ हो जाता है.
But most of the snakes are not poisons. Okay? लेकिन most of ज्यादातर जो सांप है वो जहरीले सांप नहीं होते हैं.